आज हम लोग बात करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। एक नंबर का क्वेश्चन जैसे कि मार्क्स का आता ही है कि जो ये अध्ययन हम कर रहे हैं वो किसके थ्रू आता है, कौन सी साइंस की ब्रांच है उसके रूप में। तो समय वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं। ध्वनि से संबंधित अध्ययन यानी साउंड से रिलेटेड जो स्टडी होता है वो उसको बोलते हैं एकोस्टिक। क्या बोलते हैं? एकोस्टिक। ठीक, मानव विकास का अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। नींद का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसको हिप्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप्नोलॉजी, नींद का वैज्ञानिक अध्ययन। आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोफिजिक्स। आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। घासों का अध्ययन यानी ग्रास की स्टडी जो करते हैं उसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन उसको कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग बायोमेट्री कहलाता है। गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग बायोमेट्री कहलाता है। हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान सिरामिक्स कहलाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इससे संबंधित विज्ञान सिरामिक्स कहलाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन। विभिन्न रंगों का अध्ययन यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करना वो क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन क्रायोजेनिक्स। जैव कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जैव कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन यानी कम्युनिकेशन सुरक्षा की बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें, संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन जो कहलाता है उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी। मनुष्य के जननांक की स्थिति का अध्ययन डोमोग्राफी कहलाता है। मनुष्य के जननांक की स्थिति का अध्ययन डोमोग्राफी। भ्रूण विकास का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। यानी जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसका जो इवोल्यूशन होता है यानी भ्रूण विकास का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। पौधे एवं जंतुओं के वातावरण के साथ अंतःसंबंधों का अध्ययन, पौधे एवं जंतुओं के वातावरण के साथ अंतःसंबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। क्या कहलाता है? इकोलॉजी। कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन। वंशानुगत गुणों का अध्ययन जेनेटिक्स, वंशानुगत गुणों का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन जीनियोलॉजी कहलाता है। वंशानुगत यानी वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन कहलाता है जीनियोलॉजी। रक्त एवं संबंध रोगों का अध्ययन यानी ब्लड से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। यकृत यानी लीवर, पित्ताशय एवं अग्नाशय तथा उनके विकारों का अध्ययन, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय इनसे रिलेटेड विकारों का अध्ययन, जो लीवर है, पैंक्रियाज है, इनसे रिलेटेड जो भी इसमें जो क्या आया है, डिस्टर्बेंस आई, इनका जो स्टडी करते हैं उसको हिपेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपेटालॉजी। हिपेटालॉजी। ऊतकों की रचना का अध्ययन यानी टिश्यूज का जो कंस्ट्रक्शन है उसका स्टडी करना वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। बिना मिट्टी के जल में पौधे उगाने की कला यानी बिना मिट्टी के जल में पौधे उगाने की कला को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आपने देखा होगा जैसे मनी प्लांट वगैरह है,
कि पानी की एक बॉटल है उसमें पानी भर के उसमें मनी प्लांट का पौधा लगा दीजिए, देखिए लग जाता है बिना मिट्टी के, तो उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन करना हाइड्रोपैथी कहलाता है। जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन करना हाइड्रोपैथी कहलाता है, ठीक है। जल से रोगों के उपचार की तकनीकी हाइड्रोथेरेपी होती है, यानी जल से रोगों के उपचार की जो तकनीकी होती है उसे हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। लेजर के माध्यम से थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी की कला, लेजर के माध्यम से जो थ्री डायमेंशनल फोटो बनती है उसकी जो कला होती है उसे होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन लेपिडा पटेरोलॉजी कहलाता है, यानी कि लेपिडा टेरोलॉजी। तो आपको पता तितलियों कीट पतंगों का अध्ययन है लेपिडा टेरोलॉजी, तितलियों कीट पतंगों का अध्ययन। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है मीटियोरोलॉजी। क्या कहलाता है? मीटियोरोलॉजी। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन मीटियोरोलॉजी कहलाता है, मीटियोरोलॉजी, ठीक है। तो मीटियोरोलॉजी बोलते हैं, ठीक। तो आपने देखा कि वायुमंडल प्रक्रियाओं मौसम के अध्ययन किसके थ्रू आता है? तो मीटियोरोलॉजी के थ्रू, मीटियोरोलॉजी। प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। कवकों यानी फंगी का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी होता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। अंक ज्योतिष विज्ञान न्यूमेरोलॉजी। गोलकृम का अध्ययन निमेटोलॉजी। गुर्दा या वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क स्नायु तंत्र इनके रोगों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। रोगों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, रोगों के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। मानसिक रोगों तथा इनके निदान का अध्ययन साइकेट्री कहलाता है, साइकेट्री, ठीक। बच्चों तथा इनसे संबंध बीमारियों का अध्ययन पीडियाट्रिक्स कहलाता है, पीडियाट्रिक्स। बच्चों तथा इनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन पीडियाट्रिक्स कहलाता है। वायु या गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है, वायु या गैसों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेटिक्स। खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी जो होता है फलों एवं उत्पादन का अध्ययन, फलों एवं उत्पादन का अध्ययन जो कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं उससे बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। भाषा विज्ञान का अध्ययन फिलोलॉजी। चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन पोसोलॉजी कहलाता है, कौन सा लॉजी कहलाता है? पोसोलॉजी। स्वर की ध्वनियों एवं इनके उच्चारण का अध्ययन कहलाता है फोनेटिक्स। क्या कहलाता है? फोनेटिक्स। जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करना ये कहलाता है प्लाज्मोलॉजी। यानी जीव जंतुओं का सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मतम अवदर्शन यानी अध्ययन करना उसको प्लाज्मोलॉजी बोलते हैं। ब्लड सीरम एवं शारीरिक द्रवों का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। स्त्री रोगों का अध्ययन गायनेकोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन जियोलॉजी। तो आपको मैंने बता दिया कि जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, जिन जिन सेक्टर को हम लोग स्टडी करते हैं उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, वो हमने जो थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। ये वो हैं जो पेपर में अक्सर पूछे गए हैं, ऐसे तो बहुत सी ब्रांचें रहेंगी, लेकिन हमने जितना भी हो सका जो पेपर में अक्सर पूछा गया है उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे।